वेलकम है दोस्तों तुहाडा साडे चैनल माला मणके उत्ते। किताब अंतरझात, लेखक नरेंद्र सिंह कपूर, लेख सहनशीलता। बिल्लियां नू सियाने चूहे चंगे नहीं लगते। जदों भी समाज विच कोई रसम रीत फैशन जां विहार दा कोई ढंग तरीका बदलता है तो अणगिणत लोगों लई इह तब्दीली सहन करनी औखी अते मुश्किल हो जाती है। केले दे छिलके तो तिलकण उत्ते असी उस उत्ते हसदे हाँ जिसनू असी आप डेगना चाहते सी। किसी मंगते नू डेगण बारे असी कदे सोचिया नहीं हुंदा, सो उसदे तिलकण उत्ते असी हसदे भी नहीं। जे अंदर आनंद होवे तां असी होर तरह हसदे हाँ, पर अंदर नफरत होवे तां साडा हासा होर किस्म दा हुंदा है। कई वारी पुरश इस्त्री नू चुप कराउण लई ही तुंबदा है। पति वल्लों घरों बाहर रहण दा एक कारण पत्नी दा झगड़ालू होना भी हुंदा है। घर इकलियां रहण वालियां पत्नियां नू अपने आप नाल होईयां वधीकियां बारे सोचण दा वधेरे समां मिलण कारण उह काम करन वालियां इस्त्रियां दे मुकाबले वधेरे उदास रहिंदियां हन। आ प्रवानगी अते असहनशीलता दीआं अणगिणत परतां हन। हर किसी के मन में शिकवे शिकायतों की भीड़ जुड़ी हुई है, जिस कारण सारिया के मन अशांत हैं। मन उदों तक शांत नहीं हो सकते जदों तक असी अपने आप नाल एक सुर नहीं होंगे। अपने आप नूं एक सुर करन तो पहला जिन्हां नाल असी वधीकियां कीतियां हन उन्हां तों खिमा मंगनी पवेगी, जिन्हां ने साडे नाल बेइंसाफियां कीतियां हन उन्हां नूं खिमा करना पवेगा। खिमा करके तुसी शांत नहीं होवोगे, सगो तुसी सच्ची खिमा करोगे ही उदों जदों तुसी शांत होवोगे। इस स्थिति विच ही तुहाडी सहनशीलता दा घेरा विशाल होवेगा। खिमा अते सहनशीलता एक दूजे नाल बज्जियां होईयां हन। जिवें सज्जा पैर खब्बे पैर नाल बज्जा होया है, यह कदी भी नहीं होया अते ना ही कदी होवेगा कि तुसी सज्जा पैर लगातार दो वारी चलिया होवे। तुहाडे अगले कदम की दृढ़ता इस तो पहले कदम की मजबूती उत्ते निर्भर करती है। स्वीकारन की बिरती वाला सहनशील व्यक्ति अपने अहदे या रुतबे के अनुसार उचा उठता है, जदों के अंदरों घबराया होया व्यक्ति अपने अहदे या रुतबे नूं असहनशीलता कारण अपनी पद्धर तक थले डेग लैंदा है। भावें वह खलोता उचा हुंदा है पर वह वेखदा बहुत नीवा है। वेख्या गया है कि ज्यों ज्यों मनुख धनवान अते शक्तिशाली हुंदा जांदा है त्यों त्यों उसकी सहनशीलता घटती जाती है। हसण वाले अमीर आदमी विरले ही मिलते हैं। असलियत यह हुंदी है कि वह अमीर हुंदे ही नहीं, क्योंकि अमीरी उस अवस्था नूं कहिंदे हन जदों दिमाग खुला होवे अते कमर तंग होवे, पर हुंदा अक्सर उल्टा है। यही कारण है कि जिन्हां तों सानूं सब तों वध आसां हुंदियां हन उही सब तों वध निराश करदे हन। यह भी वेख्या गया है कि एक थां रहिंदे रहिंदे आपणियां नूं भी सहन करना औखा हो जाता है अते उह बेगाने लगण लग पैंदे हन। जदों कि किसी दूर दरेडी थां जां किसी यात्रा दौरान बेगाने भी आपणे लगण लग पैंदे हन। जिन्हां नूं बड़े उचेच करके असी आपणे बणाउंदे हाँ उहनां नाल ही नफरत हो जाती है। तलाक अते जायदाद दे मुकदमे अजिहे वरतारियां दा प्रमाण हन। हर झगड़े अते हर मुकदमे विच दो हंकार लड़दे हन। अपने हंकार तो बिना ना असी किसी की मूर्खता ते हस सकते हाँ अते ना ही किसी नूं नफरत कर सकते हाँ। हंकार असहनशीलता दा झंडा हुंदा है। साडे कोल बीबे ठाणेदार जां साऊ हाकम दा कोई संकल्प नहीं। चंगे काम करन वालियां नालों भैड़े काम करन वालियां दी चर्चा वधेरे हुंदी है। असी चंगे काम नूं ही टालदे हाँ, भैड़े काम की खिच ही इतनी हुंदी है कि उसनूं टालण दा प्रश्न ही नहीं उठदा। असी किसी की प्रशंसा करन नूं ही मुलतवी करदे रहिंदे हाँ, उसकी निंदा करन वेले असी सबर नहीं विखाउंदे। असी खुशी प्रगटाउण जां प्रसन्न विखाई देण विच तां देरी कर दिंदे हाँ, पर किसी नाल गुस्सा होण विच देरी नहीं करदे। किसी नूं स्वीकार करन वेले सानूं दुचित्ती दा सामना करना पैंदा है, पर किसी नूं रद्द करन वेले असी पिछे नहीं हटदे। साडा नहांदरू विहार साडे हांदरू विहार नालों तिखा हुंदा है, इसे नूं असहनशीलता कहिंदे हन। किसी संत गुरु तो किसी होर संत या गुरु की प्रशंसा तुसी नहीं सुनोगे। कोई रागी या गायक किसी होर रागी या गायक नूं धीरज नाल नहीं सुनता। सहनशीलता की घाट आम सधारण व्यक्तियों विच उतनी नहीं हुंदी जितनी विद्वाना अते कलाकारां विच हुंदी है।
हर दान विच कुछ प्राप्त करन दी इच्छा लुकी हुंदी है। रेगिस्तान विचों लंघदा दरिया रेगिस्तान उत्ते व्यंग हुंदा है। रेगिस्तान इस वधीकी नूं सहन नहीं कर सकता। तुहाडे अंदर उतनी सहन शक्ति ही उपजेगी जितनी सहन शक्ति दी तुसीं वरतों करोगे। संसार है तां बड़ा विशाल पर इस नूं असीं वेखदे अपनी समर्था दी सीमा विच हाँ। शुक्र है कि रब ने साडे नाल सलाह करके संसार नूं नहीं सिरजिया, नहीं तां संसार बड़ा छोटा होना सी। शुक्र है कि रब ने साडियां सारियां अरदासां नहीं मनिया, नहीं तां संसार दा नक्शा ही होर हुंदा। कई लोग दुख दी हालत विच जां दुख उहनां दी सहन शक्ति तो बाहर हो जांदा है अपने सिर दे वाल पुट्टण लग पैंदे हन। उह भुल जांदे हन कि गंजे होण नाल दुख घट नहीं जांदा, सगों गंजे होण दी नवीं समस्या उपज पैंदी है। संसार दे वड्डे खून खराबियां अते बर्बादियां दी तह विच किसे ना किसे दी असहनशीलता जां हंकार छुपिया हुंदा है। सारे वाद विवाद भी सहनशीलता दी घाट विच उपजदे हन। तुसी अपनी सहनशीलता का घेरा जितना सीमित करी जावोगे उतने ही तुसी वधेरे दुखी अते असंतुष्ट हुंदे जावोगे। सहनशीलता की घाट कारण हथियार रखने की इच्छा जागती है। हथियार विखा के अते वरत के असी इतनी नफरत उपजा लेंदे हाँ कि उस उपरंत उस हथियार नू अपनी सुरक्षा लई उम्र भर चुकना पैंदा है। जिन्हां विच सहन करन दी शक्ति बहुत घट हुंदी है उह मरन मरन दे राह पैंदे हन अते जिहड़े बेबस हो जांदे हन उह आत्मघात करन दा यतन करदे हन। संसार दे हर समाज विच आत्मघात दा यतन करदियां वधेरे इस्त्रियां हन पर सफल वधेरे पुरश हुंदे हन। सहनशीलता आजाद मन दी एक स्थिति है। यह एक प्रकार का अनुशासन है। आजादी उत्थे ही हुंदी है जिथे अनुशासन नूं स्वै इच्छा नाल स्वीकार किया जाता है। इस करके कहिंदे हन कि आजादी लई कुछ पाबंदियां दा होना लाजमी है। जानवर अते पंछी प्रकिरति दे अनुशासन अते पाबंदियां नूं खिड़े मथे सहन करदे हन। ओह अपनी होंद नाल अपनी स्थिति नाल प्रसन्न अते संतुष्ट हन। चमेली दा फुल कदे भी गुलाब बनदा यतन नहीं करदा। मनुख तो सिवाए सारे जीव जंतु प्रकिरति नाल एक सुर हन। इस करके उहनां विच असीम सहनशीलता है अते उहनां दा जीवन शांत है। जीवन दे होर बुनियादी संकल्पां दी सिखलाई वांग सहनशीलता अते असहनशीलता दोहां दी सिखलाई सानू घर अते स्कूल विचों मिलती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म बरादरी फिरके इलाके जां देश विच जन्म लैंदा है। इन्हां सभना दे गुण औगण अते पक्षपात सानू सुते सिद्ध प्राप्त हो जांदे हन। लगभग 15 साल की उम्र तक सारे बुनियादी संकल्प अते पक्षपात पक जांदे हन। इस उम्र तक मापे बच्चियां नू इसलिए वधेरे प्यार अते सुरक्षा प्रदान करदे हन तां कि सारे बुनियादी संकल्प अते पक्षपात उहनां दे मन विच डूंघे उतर जाण। इस उपरंत किसी प्रकार की सिक्ख्या उहनां दे बुनियादी संकल्पां नू बदलण विच सफल नहीं हुंदी। सो दोस्तो इस दे नाल ही इस टॉपिक का पहला भाग खत्म करते हाँ। फिर मिलांगे इहदे दूजे भाग दे नाल। धन्यवाद।